हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीटीएल इंटरप्राइजेस लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस, ये फंडामेंटल कंपनीज है, इसमें सारे एनालिसिस आपको प्लस में देखने को मिलेंगे। एंड ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो आपको इसमें रिस्क नहीं हो सकता है। गाइस, आपको बता दें, कभी भी आप किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं आपको प्रॉब्लम भी होती है। तो चलते दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका करंट प्राइस आप देख सकते हो 32.85 रुपये। एंड इसका टूडे जो अपर सर्किट रहा है 1.45% इसका अपर सर्किट रहा है। एंड इसका आप मैक्सिमम रिटर्न भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट इसने रिटर्न भी दिए हैं, जो 182% तक इसका रिटर्न रहा है। एंड इसका लिस्टिंग प्राइस देख सकते हो, जब मार्केट में लिस्ट हुआ था इसका प्राइस था 11.62 रुपये इसका प्राइस था मार्केट में लिस्टिंग प्राइस। एंसर सर्विस देख सकते हो, इस कंपनीज का प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है सनराइज प्रॉपर्टीज, इसका इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फाइनेंसिस देख सकते हो, इसका टोटल रिवेन्यू जो है 15 करोड़ के अराउंड होता है। इसका नेट इनकम 8.33 करोड़ है, जो बेस्ट है ग्रीन सिग्नल में। एंड इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 55.83% होता है। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो 0.67% तक है, जो ऑलमोस्ट बेस्ट है। एंड अब आप इसकी मेन वेबसाइट पे चलोगे, इस वहीं पे सारा एनालिसिस आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। आ चुके हैं इसकी मेन वेबसाइट पे skinner.com पे। एंड ये स्टॉक आपको दोनों एक्सचेंज पे अवेलेबल है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 436 करोड़ इसका मार्केट कैप होता है। एंड इसका एक साल में हाई प्राइस गया था 41 रुपये एंड लो प्राइस गया था 17 रुपये। एंड इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो, इसका है 8.81% होता है, जो ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़िया है। फेस वैल्यू जो है 1 रुपये, जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था इसका प्राइस था 1 रुपये। अब आप इसका मैक्सिमम रिटर्न देख सकते हो, कितना ज़्यादा इसने प्राइस हाई दिया था। इसका हाई प्राइस गया था 40 रुपये के अराउंड, इसका हाई प्राइस गया था, जो इन्वेस्टरों ने इस स्टॉक से अच्छे खासे सेल आउट किए थे। एंड इस कंपनीज के इंडिकेटर्स आप देख सकते हो, जो ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़िया हैं, इनमें आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। स्टॉक पर डिविडेंड जो प्रोवाइड करती है ये कंपनी 7.60% प्रोवाइड करती है। स्टॉक पर ट्रेडिंग जो बुक वैल्यू है 0.72% होता है। एंड ये कंपनी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इस पर कोई रिस्क नहीं हो सकता है। कंपटीशन देख सकते हो, किस किस कंपनीज के साथ इसके कंपटीशन हो रहे हैं। इसका गुजरात गैस हो गया, टीबी फिनटेक हो गया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो गया, सेंचुरी प्लेबोर्ड हो गया, ये ऑलमोस्ट फेमस कंपनीज है गाइस। इसके साथ इसके कंपटीशन ऑलरेडी होते रहते हैं। एंड इन्होंने इस साल का क्वार्टर रिजल्ट अपडेट किया है, आप देख सकते हो इन्होंने सेल जो किए हैं 15 करोड़, एंड इसके जो खर्चे हुए हैं 1.54 करोड़ इसका खर्चा हुआ है, जो कंपनी ने खर्चे काफ़ी कम कर रही है। इस कंपनीज का आप बैलेंस शीट देख सकते हो, जो आपको ऑलमोस्ट बढ़िया लगता है, क्योंकि कंपनीज के ऊपर कितना लायबिलिटीज़ है एंड कितना एसेट कंपनीज बना दिए, 870 करोड़ के अराउंड होता है, जो कंपनी जो है मार्केट कैप से थोड़ा सा लायबिलिटीज़ ज़्यादा ले रखी है। बट इसके पास एसेट भी टोटल है, इसका एसेट भी सेम है, कंपनी जो है लायबिलिटीज़ को कंपेरिजन में चलती हुई जा रही है, 870 करोड़ के अराउंड होता है। अब आप इसका कैश फ्लो देख सकते हो, देखते हैं गाइस कितना इसका कैश फ्लो है। इसका कैश फ्लो जो है गाइस 0 है, मतलब इसने अभी तक प्रॉफिट अर्न नहीं किया है। बट इसके सारे फाइनेंशियल सर्विस जो हैं प्लस में है, बट इसका इस टाइम इसके पास कैश फ्लो नहीं है। अब आप इसका शेयर होल्ड देख सकते हो, कितना प्रमोटर ने इसका शेयर होल्ड किया है एंड कितना पब्लिक ने। इसका पब्लिक ने 21% तक एंड प्रमोटर ने 60% के अराउंड इसका किया है। इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपने पैसे को इन्वेस्ट ऑलरेडी किया है, जो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा इसके शेयर को होल्ड कर रही है। रिपोर्ट यहाँ से चेकआउट करके एयरली वाइज सारा इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। आई होप गाइस, आप कभी भी किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त सारा एनालिसिस आपको इन्फॉर्म एंड सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको इन्फॉर्म होना चाहिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको रिस्क ना हो। आई होप गाइस, आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।